बड़ी जानकारी है कि युद्धपोत पर हमले के बाद रूस ने पलटवार किया। रूस ने यूक्रेन पर किए 42 ड्रोन हमले। यूक्रेन के कई शहरों पर किए गए ये ड्रोन हमले यूक्रेन का 32 ड्रोन नष्ट करने का लेकिन दावा भी साथ ही सामने आया है। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने एक बार फिर रूस के काला सागर नौसेना बेड़े पर बड़ा हमला किया है। यूक्रेन की यूएसवी ब्रिगेड ने काला सागर में गश्त लगा रहे एक युद्धपोत और उस पर तैनात हेलीकॉप्टर को नष्ट कर दिया है। रूस का नौसेना बेड़ा लगातार घट रहा है और यूक्रेन के हमलों की रेंज लगातार बढ़ रही है। क्रीमिया से साइबेरिया तक यूक्रेन ने रूस को बड़ी चोट पहुंचाई है। क्रेमलिन को यूक्रेन के हमले रोकने के लिए रणनीति बदलनी पड़ रही है। क्रीमिया से लेकर सीमाई शहरों में सुरक्षा के नए बंदोबस्त किए जा रहे हैं। साथ ही रूस यूक्रेन पर बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है। देखिए कैसे यूक्रेन ने विनाशक बारूद बरसाया और रूस का काउंटर प्लान क्या है। काला सागर में यूक्रेन के बारूदी शोले बरस रहे हैं। रूस के कई शहर धधक रहे हैं। यूक्रेन ने ऐलान कर दिया है कि अब क्रीमिया विजय ऑपरेशन प्रचंड हो चुका है। और काला सागर रूसी नौसेना की जल समाधि बनने वाला है। मार्च की रात एक बार फिर यूक्रेन की यूएसवी यानी अनक्रू सरफेस वेसल ब्रिगेड ने रूसी नौसेना पर जबरदस्त हमला बोला। यूक्रेन ने भी सी ड्रोन से हमला करके रूसी नौसेना का एक बड़ा युद्धपोत डुबा दिया है। काला सागर नौसेना बेड़े पर यूक्रेन के हमले का वीडियो है। एक सी ड्रोन काला सागर में गश्त लगा रहे रूसी नौसेना के युद्धपोत की तरफ बढ़ रहा है। इसके कुछ ही सेकंड बाद रूस के युद्धपोत पर जबरदस्त धमाका होता है। और नाइट विजन कैमरे में धमाके की तस्वीर रिकॉर्ड होती है। अब हमले की दूसरी तस्वीर देखिए। रूसी युद्धपोत ने यूक्रेन के समुद्री ड्रोन को आते हुए देख लिया था और उसे रोकने के लिए फायरिंग भी की। लेकिन रूसी नौसेना यूक्रेन का हमला नाकाम नहीं कर पाई और जबरदस्त धमाका हुआ। धमाके के बाद रूसी युद्धपोत में आग लग गई और काला सागर लपटों से धधक उठा। यूक्रेन ने रूस के सरगई कोतोव युद्धपोत को निशाना बनाया। युद्धपोत पर तैनात एक हेलीकॉप्टर भी नष्ट हो गया। यूक्रेन का दावा है कि युद्धपोत काला सागर में डूब चुका है।
धमाके में रूस के 7 नौसैनिक मारे जाने का दावा भी किया गया है। युद्धपोत पर सवार 50 क्रू मेंबर को बचा लिया गया है। ये रूस का सरगई कोतोव युद्धपोत है। इसी युद्धपोत को यूक्रेन ने काला सागर में डुबाने का दावा किया है। इस युद्धपोत पर एक हेलीपैड बना है और यहां हेलीकॉप्टर तैनात था। रूसी जहाज पर हमले की प्लानिंग यूक्रेनी खुफिया एजेंसी HUR ने तैयार की। यूक्रेन ने हमले के लिए मागुरा V5 USV का इस्तेमाल किया, जिसका पूरा नाम मेरीटाइम ऑटोनॉमस गार्ड अनमैन्ड रोबोटिक एपरेटस वी टाइप है। ये बैटरी से चलने वाला समुद्री ड्रोन है, जिसमें कैमरा और विस्फोटक लगे होते हैं। नवंबर 2022 में यूक्रेन ने कॉम्बैट सर्फेस ड्रोन ब्रिगेड तैयार की। इसी ब्रिगेड ने रूस के जहाज पर हमला किया है। यूक्रेन के इस ड्रोन ने 2024 में 3 रूसी जहाज ध्वस्त किए हैं। और यूक्रेन ने क्रीमिया विजय के लिए 2024 में रूसी ठिकानों पर प्रचंड हमले किए। पांच मार्च को यूक्रेन ने रूस के सर्गेई कोतोव युद्धपोत पर सी बेबी ड्रोन से हमला किया। यह युद्धपोत काला सागर की सुरक्षा में तैनात था और गश्त लगा रहा था। 14 फरवरी 2024 को यूक्रेन ने रूस के सीजर कुनिकोव युद्धपोत पर हमला किया। यूक्रेन के हमले से रूस का एम्फीबियन युद्धपोत नष्ट हो गया। इससे पहले 1 फरवरी 2024 को यूक्रेन ने रूस के इवानोवेट्स युद्धपोत पर हमला किया। यह हमला भी USV यानी समुद्री ड्रोन से किया गया और रूसी युद्धपोत इसमें नष्ट हो गया। 2024 के पहले महीने में भी यूक्रेन ने रूस के कई क्रीमिया बेस पर लगातार हमले किए। इनका टारगेट रूस के एयरबेस बने। 31 जनवरी को यूक्रेन ने क्रीमिया के बेलबैक एयरबेस पर मिसाइल हमला किया। यह हमला स्टॉर्म शैडो मिसाइल से किया गया। यूक्रेन के इस प्रहार से रूस के 3 Su-27 फाइटर जेट नष्ट हो गए। इससे पहले 5 जनवरी को यूक्रेन ने क्रीमिया के साकी एयरबेस पर हमला किया। इस हमले के लिए भी ब्रिटेन से मिली स्टॉर्म शैडो मिसाइल इस्तेमाल की गई। इस मिसाइल के प्रहार से 23 रूसी सैन्य ऑफिसर मारे गए। मरने वाले सैन्य अधिकारियों में 5 हाई रैंक कमांडर थे। 4 जनवरी को यूक्रेन ने क्रीमिया के ही यूक्रेना बाल्का एयरफील्ड पर हमला किया। ये हमला यूक्रेन की अपग्रेडेड मिसाइल नेपच्यून से किया गया। यूक्रेन का ये हमला सटीक रहा और रूसी रडार सेंटर नष्ट हो गया। इसी दिन क्रीमिया के येवपतोरिया पर यूक्रेन ने 10 से ज्यादा स्टॉर्म शैडो हमले किए। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस का एक कमांड पोस्ट तबाह हो गया है। क्रीमिया पर ही नहीं बल्कि यूक्रेनी सेना रूस की जमीन पर भी विध्वंसक हमले कर रही है। यूक्रेन ने 3 तरह से रूसी जमीन पर हमले बढ़ा दिए हैं। यूक्रेनी सीमा से रूस की जमीन पर 300 किलोमीटर के दायरे तक मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। 300 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ रूस के अहम ठिकानों पर यूक्रेनी एजेंट आगजनी और विस्फोट कर रहे हैं। यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क में एक माइनिंग एंड प्रोसेसिंग प्लांट पर ड्रोन हमला किया। हमले से प्लांट में जबरदस्त विस्फोट के बाद आग लग गई। इसके साथ ही कुर्स्क के एक वेयरहाउस पर भी यूक्रेन ने ड्रोन हमला किया। हमले से वेयरहाउस में आग लग गई। वेयरहाउस में रखा एक फ्यूल टैंक भी धधकने लगा।
यूक्रेन की पहुंच से दूर दक्षिण साइबेरिया के एक थर्मल पावर प्लांट में धमाका सुना गया और इसके बाद प्लांट में आग लग गई। इस घटना में 21 रूसी कर्मचारी घायल हुए हैं। माना जा रहा है कि यूक्रेन के एजेंट्स ने यह धमाका किया है। तुवा के इस थर्मल पावर प्लांट में लगी आग बुझाने के लिए कई घंटे ऑपरेशन चलाना पड़ा। बीते 24 घंटे में यूक्रेन ने ड्रोन, मिसाइल और एजेंटों के जरिए रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अरब में लाल सागर इस बार इतना धधका है जिसकी वजह से बड़े युद्ध का खतरा पैदा हो गया है। 3 दिन में हूती ने 6 जहाजों पर हमले किए जिसमें 3 टास्क फोर्स के युद्धपोत थे। यानी हूती के तेवर बता रहे हैं वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटने वाला। फिर सामने सुपर पावर अमेरिका ही क्यों ना हो, हूती के लड़ाकों को ईरानी कमांडर ट्रेन कर रहे हैं और रणनीति भी वही बना रहे हैं। यही वजह है कि हूती लाल सागर में टास्क फोर्स से एक कदम आगे रहता है। अब अमेरिका बौखलाकर हूती को तहस नहस करने की तैयारी में जुट चुका है जिससे जंग का दायरा अफ्रीकी सैन्य बेस जिबूती तक जा पहुंचा है। यमन में इतना बारूद बरसाने के बाद भी हूती पर काबू पाने में नाकाम है टास्क फोर्स। हूती पर जितने ज्यादा हमले होते हैं वो उतना ही ज्यादा खूंखार हो रहा है। इस बीच दूसरे ईरानी प्रॉक्सी गुटों ने अरब में इतने विस्फोट किए हैं जिससे अमेरिका और इसराइल की नींद उड़ चुकी है। और ये उसी तबाही की तस्वीर है। जब इसराइल के पोर्ट सिटी हाइफा पर हमला किया गया, इस स्ट्राइक में इसराइल भी शामिल हो सकता है क्योंकि बीती रात इसराइल के पोर्ट सिटी हाइफा पर इस्लामिक रेजिस्टेंस का बड़ा हमला हुआ है जिसमें हाइफा एयरपोर्ट जल उठा। इस्लामिक रेजिस्टेंस के हमले में पोर्ट सिटी हाइफा में कई मीटर ऊंची आग की लपटें उठने लगी। बताया जा रहा है ये हमला एयरपोर्ट पर मौजूद पावर प्लांट पर हुआ। हमले के लिए कामिकाज़े ड्रोन का इस्तेमाल किया गया जिसने एक इमारत को निशाना बनाया जो ठीक पावर प्लांट के पास थी। इमारत में आग लगने के बाद पावर प्लांट भी उसमें घिर गया। तेज धमाके होने लगे, पूरा पावर प्लांट तबाह हो गया। हैफा में यहूदियों की बड़ी आबादी रहती है। ईरानी मिलिशिया ने इसीलिए हैफा को टारगेट करके इतना बड़ा हमला किया। 24 घंटे में इसराइल पर 2 बड़े हमले हुए। एक हमले में हाइफा में तबाही की तस्वीर सामने आई। इसराइल का आरोप है कि इस्लामिक रेजिस्टेंस ने यह हमला हूती की मदद से किया है। दूसरी तरफ हाइफा से करीब 1400 किलोमीटर दूर लाल सागर में इजरायली शिप को तहस नहस कर दिया। यानी ईरान के चक्रव्यूह में इजरायल और अमेरिका बुरी तरह फंस गए हैं। जहां इराक सीरिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरानी मिलिशिया हमले कर रहे हैं, वहीं इसराइल के शहरों से लेकर काला सागर तक पश्चिमी देशों के जहाजों को हूती तबाह करने पर आमादा है। पिछले 3 दिन में हूती ने 6 जहाजों पर हमले किए जिसमें से 3 कार्गो शिप और 3 टास्क फोर्स के युद्धपोत हैं। कार्गो शिप में 1 ब्रिटेन का, 1 इटली, 1 इजराइल का कारोबारी जहाज है, जबकि टास्क फोर्स के 3 जहाज अमेरिका के हैं जिन पर हूती ने हमला किया।
हूती ने लाल सागर में बीती रात दो अमेरिकी युद्धपोत पर हमला किया जो पेट्रोलिंग कर रहे थे, जबकि उसके कुछ घंटे पहले ही इजरायली शिप पर मिसाइल दागी गई। उसे बचाने आए अमेरिकी युद्धपोत पर भी हमला किया गया। इससे पहले हूती ने ब्रिटिश शिप को डुबोने का दावा किया था और इटली के जहाज पर भी यमन से मिसाइलें दागी थी। दरअसल हूती की मॉडस ऑपरेंडी बदली है, जिसमें वो कारोबारी जहाजों को डुबोने के लिए एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उन्हें बचाने आ रहे टास्क फोर्स के युद्धपोत पर ड्रोन हमले कर रहा है। और इसके लिए वो पूरी प्लानिंग से काम कर रहा है। हूती के हमले में यूएसएस कार ने युद्धपोत को बड़ा नुकसान हुआ है, जबकि दो दूसरे युद्धपोत भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। इससे पहले तीन कार्गो जहाजों को डुबोने के लिए हूती लगातार मिसाइलें दाग रहा है। जबकि अमेरिका ने दावा किया है कि हूती ने हमला किया जरूर, लेकिन मिसाइलें शिप से थोड़ी दूर पर गिरी जिससे नुकसान नहीं हुआ। अब सवाल उठ रहा है, जब नुकसान नहीं हुआ तो अमेरिका बदला लेने के लिए क्यों उतावला हो रहा है? आज की रात हूती ठिकानों पर बड़ी एयर स्ट्राइक की तैयारी है। लाल सागर में हूती ने कोहराम मचाया हुआ है। एक दिन पहले इजरायली शिप पर हूती ने मिसाइल अटैक किया, जिससे इजरायली कार्गो शिप का एक हिस्सा डूबने लगा था। इस दौरान टास्क फोर्स के साथ रेस्क्यू जहाज उसे बचाने आए। रेस्क्यू शिप इजरायली शिप को खींचकर अफ्रीकी देश जिबूती ले जा रहे थे। इस दौरान टास्क फोर्स के शिप कवर फायर दे रहे थे, जिससे हूती के हमले रोके जा सके। यमन के पास बाब अल मंदेब स्ट्रेट से अफ्रीकी देश जिबूती की दूरी 122 किलोमीटर है। जिबूती पर अमेरिका और चीन दोनों के सैन्य ठिकाने हैं। जिबूती पहुंचने से पहले क्षतिग्रस्त जहाज पर हूती ने एक बार फिर से हमला किया। जैसे हूती ने ब्रिटिश शिप को डुबोया, अब इसी तरह इजरायली शिप डूब सकता है। दरअसल जिबूती अदन की खाड़ी के पास पड़ने वाला सबसे नजदीकी अमेरिकी मिलिट्री बेस है, इसलिए टास्क फोर्स उसे जिबूती लेकर जा रही थी। जिबूती अपनी भौगोलिक स्थिति की वजह से इस वक्त सबसे अहम देश बन चुका है। खासतौर से अगर लाल सागर की तनातनी को देखा जाए, हूती ने भी अपनी रणनीति इसलिए बदली है कि बाब अल मंदेब से दूर जाकर अटैक करे, क्योंकि वहां से जिबूती का मिलिट्री बेस काफी दूर है। जिबूती पर 11 मिलिट्री बेस हैं, जिसमें 10 पश्चिमी देशों के हैं, जिन्हें अमेरिका और फ्रांस मिलकर ऑपरेट करते हैं। एक वक्त में फ्रांस के 1500 और अमेरिका के 1000 सैनिक जिबूती पर तैनात रहते हैं, जबकि चीन ने हाल ही में एक नेवल बेस बनाया है। दरअसल जिबूती पोर्ट के जरिए लाल सागर रूट और सोमालिया सी रूट दोनों पर ही नजर रखी जा सकती है। इसके अलावा अफ्रीकी देशों पर दबदबा बनाए रखने के लिए जिबूती पर बेस जरूरी है। अमेरिका ने कल रात लाल सागर में मौजूद टास्क फोर्स से भी हूती ठिकानों पर हमले किए और जिबूती बेस से भी मिसाइलें दागी, जिससे यमन में बारूदी तूफान आ गया। इसके बाद अमेरिका की तरफ से दावा किया गया है, पहला दावा किया है अदन की खाड़ी के पास हूती के दो ठिकाने तबाह कर दिए। दूसरा दावा किया है अल हुदैदा पर ड्रोन लॉन्च साइट को तहस नहस कर दिया। तीसरा दावा किया है लाल सागर में हूती की दो मिसाइलें इंटरसेप्ट करके उन्हें नष्ट कर दिया। चौथा दावा किया है लाल सागर में हमला करने आई तीन ड्रोन बोट को उड़ा दिया। पांचवा दावा किया है हूती लड़ाकों को अदन की खाड़ी से खदेड़ दिया।
लेकिन होती को कमजोर समझना अमेरिका की भूल साबित हो सकती है, क्योंकि वो सिर्फ मुखौटा है, उसके पीछे असली खेल ईरान का है। तभी लाल सागर में होती इतनी हिमाकत दिखा पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9, भारतवर्ष। और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इसराइल के हाइफा से। इसराइल के हाइफा में मिसाइल हमला हुआ। 24 घंटे में दूसरी बार हाइफा में हुआ है यह हमला। इराक रेजिस्टेंस फोर्स ने किया हाइफा में हमला। हमले में हाइफा एयरपोर्ट पर तबाही देखने को मिली। पुतिन ने नेटो के अस्तित्व को मिटा देने की हुंकार भर दी है। रूस ने कहा है कि नेटो ही विश्व विनाश का सबसे बड़ा कारण बनेगा, लिहाजा इसका वजूद मिटाना नितांत आवश्यक हो गया है। क्रेमलिन की तरफ से विध्वंसक ऐलान तब किया गया जब नेटो का सीक्रेट वॉर प्लान लीक हुआ। लीक प्लान से खुलासा यह हुआ कि नेटो रूस पर ऑलराउंड अटैक करने वाला है। इसी के बाद पुतिन ने नेटो देशों से सटी अपनी सीमा पर सैन्य तैनाती कर दी है। रूस का उत्तर पश्चिमी हिस्सा यानी रूस से लगती फिनलैंड, एस्टोनिया और लात्विया की सीमा पर बारूद का बहुत बड़ा ढेर इकट्ठा हो चुका है। यह बारूद का वो ढेर है जिसमें कभी भी बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता है। इस इलाके में रूस ने अपनी तैयारी कर ली है तो नेटो ने अपनी। इस वक्त रूसी सीमा पर दोनों तरफ से युद्ध हलचल बहुत तेज है। नेटो और रूस में सबसे बड़ा युद्ध का मैदान यही भूभाग बनने जा रहा है। दिया है कि नेटो का अस्तित्व विश्व विनाश का कारण बनेगा। रूस ने यह भी घोषणा कर दी कि जो युद्ध छिड़ेगा वो नेटो के खात्मे तक नहीं रुकेगा। पुतिन की तरफ से यह गर्जना तब हुई जब रूसी खुफिया एजेंसियों के हाथ नेटो के वॉर प्लान की सीक्रेट ब्लूप्रिंट लग गई। इस ब्लूप्रिंट से बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अमेरिका की अगुवाई में नेटो ने रूस पर ऑल राउंड अटैक की तैयारी कर ली है। रूस का दावा है कि नेटो उस पर जल थल और नभ से भीषण हमला करने वाला है। रूसी रक्षा मंत्रालय को मिली रिपोर्ट के मुताबिक रूस पर हमले के लिए नेटो ने एक टास्क फोर्स बनाया है। टास्क फोर्स में 13 से ज्यादा देश हैं। हर देश को रूस के एक टारगेट पर हमला करने का मिशन दिया गया है। हर ठिकाने पर एक साथ अचानक हमला किया जाएगा। फाइटर जेट मिसाइलों से रूसी ठिकानों पर हमले का प्लान है। रूस के इस दावे में दम इसलिए है क्योंकि रूस के बॉर्डर पर नेटो ने युद्धाभ्यास करना शुरू कर दिया है। नॉर्वे में नेटो देशों की सेनाएं नॉर्डिक रिस्पांस युद्धाभ्यास कर रही हैं। इसमें 13 देशों के 20,000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। पोलैंड के सुवाल की गैप में भी नेटो सेना ड्रैगन नाम से एक्सरसाइज कर रही है।
इसमें 9 देशों के 20,000 जवान शामिल हो रहे हैं। रूसी सेना का कहना है कि नेटो युद्धाभ्यास के बहाने उसकी सीमा के पास सैनिक और हथियार जुटा रहा है। असल में नेटो फिनलैंड, एस्टोनिया और लातविया की तरफ से रूस पर धावा बोलने वाला है। नेटो की ये नीति जैसे ही पता चली, पुतिन ने फिनलैंड, एस्टोनिया और लातविया से लगती सीमा पर अब तक की बहुत बड़ी डिप्लॉयमेंट कर दी। ये तैनाती उत्तर पश्चिमी फ्रंट पर की गई। दरअसल नेटो फिनलैंड, एस्टोनिया और लातविया की तरफ से रूस पर हमला कर सकता है। ये तीनों देश रूस से सटे हुए हैं। इन तीनों देशों की सीमा रूस से लगती है। इसी खतरे से निपटने के लिए रूस ने मोर्चा बंदी कर दी है। पुतिन ने नेटो से निपटने के लिए, उसे जवाब देने के लिए अपनी सेना का डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया है। रूस ने अपनी उत्तर पश्चिमी सीमा यानी फिनलैंड, एस्टोनिया और लातविया से लगती सरहद पर सेना और हथियारों की तैनाती कर दी है। इस फ्रंट पर रूस ने अपनी न्यूक्लियर फोर्स भी भेज दी है। इतना ही नहीं, पुतिन ने बेलारूस फ्रंट को भी एक्टिवेट कर दिया है। अगर फिनलैंड, एस्टोनिया और लातविया की तरफ से रूस पर हमला हुआ तो रूस बेलारूस से भी इन तीनों देशों पर बारूदी धावा बोलेगा। इसीलिए रूसी सेना ने बेलारूस में परमाणु मिसाइलों की तैनाती कर दी है। इसके साथ ही रूस ने बेलारूस में परमाणु बॉम्बर भेज दिए हैं जो वॉर रेडी है। पुतिन और उनकी सेना की तैयारी यही नहीं खत्म हुई। रूस अपनी परमाणु पनडुब्बियों को सीक्रेट लोकेशन पर भेज रहा है। नेटो का खतरनाक प्लान सामने आया तो पुतिन ने देर रात क्रेमलिन के अंदर वॉर कमांडर्स के साथ हाई लेवल मीटिंग की। बैठक में सबमरीन के नए ठिकानों की पहचान की गई। इसके बाद इन पनडुब्बियों को नई लोकेशन की तरफ रवाना कर दिया गया। क्रेमलिन के आदेश के बाद रूसी नेवी ब्लैक सी, बाल्टिक सी और नॉर्थ सी को सबमरीन से घेर रही है। जानकारी के मुताबिक रूस ने अपनी परमाणु पनडुब्बियों को बाल्टिक सागर, काला सागर और उत्तरी सागर में नए लोकेशन पर भेजा है। रूसी नेवी समंदर में इन सबमरीन से घेराबंदी इसलिए कर रही है ताकि नेटो से युद्ध की स्थिति में उससे बढ़त हासिल हो सके। रूसी तैयारी के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि रूस को रोकने के लिए युद्ध जरूरी है। अगर अब यूरोप चुप रहा तो वो कायर कहा जाएगा। मैक्रों के इस बयान से साफ है कि नेटो ने रूस पर हमले की तैयारी कर ली है। यही वजह है कि फ्रांस अमेरिका की भाषा बोल रहा है। और यही वजह है कि रूस ने अमेरिका की अगुवाई वाले नेटो के साथ युद्ध करने की तैयारी कर ली है। उसने न सिर्फ फिनलैंड, एस्टोनिया और लातविया से लगती सीमा पर सैन्य तैनाती कर दी है बल्कि यूरोप के कई देशों में भी डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी है। मतलब ये कि तैयारी दोनों तरफ से पूरी हो चुकी है। अब किसी भी वक्त तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की वॉर ब्रेकिंग न्यूज ये कि यूक्रेन युद्ध में फ्रांस के बमों का इस्तेमाल हो रहा है। फ्रांस के हैमर बॉम्ब का पहली बार इस्तेमाल हुआ। यूक्रेन सेना ने डोनेस्क में बरसाए हैं हैमर बॉम्ब। हैमर बॉम्ब से रूसी ठिकानों पर जबरदस्त तबाही हुई है। हैमर बॉम्ब रूस के बॉम्ब है जिनका इस्तेमाल हुआ है पहली बार युद्ध के मैदान में यूक्रेन द्वारा। तापमान बढ़ने के साथ ही मौसम बदल रहा है। सर्दियां भी खत्म हो रही हैं, बर्फ भी लगातार पिघल रही है। जानते हैं, इसी बदलाव ने यूक्रेन में खलबली मचा दी है।
क्योंकि जैसे जैसे मौसम में बदलाव आ रहा है ठीक वैसे ही रूसी सेना का बारूदी तांडव चरम पर जाता दिखाई दे रहा है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि यूक्रेन का कोना कोना दहल उठा है। तबाही का दृश्य बेहद खौफनाक है और आशंका तो यहां तक जताई जा रही है कि जल्द ही यूक्रेन अब मृत्युलोक बनने वाला है। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट। ईस्टर्न यूरोप में तापमान बढ़ने के साथ ही बर्फ पिघलनी शुरू हो चुकी है। और मौसम के इस बदलाव के साथ ही यूक्रेनी सेना के लिए मुश्किलें बढ़नी शुरू हो चुकी हैं। क्योंकि जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है उससे कई गुना तेजी के साथ विनाशक हथियारों से निकला बारूदी लावा यूक्रेन के कोने कोने को जलाकर राख कर रहा है, खाक कर रहा है। जी हाँ, दिसंबर से फरवरी तक यूक्रेन में सर्दी चरम पर होती है, मगर जैसे ही मार्च महीने का आगाज हुआ यूक्रेनी सरजमी पर मौजूद बर्फ पिघलने लगी। बस फिर क्या, इसी मौके की तलाश रूसी ब्रिगेड को थी। और जैसे ही मौसम बदला यूक्रेनी इलाकों में प्रचंड हमला शुरू हो गया। जी हाँ, रूसी सेना ने यूक्रेन पर जमीनी आक्रमण का आगाज किया। यूक्रेनी आर्टिलरी आर्मर्ड व्हीकल और टैंकों का दहन किया। रूस ने Ka-52 अटैक हेलीकॉप्टर से यूक्रेन पर धावा बोला। यूक्रेन के हाईमार्स MLRS को भी रूसी सेना ने तबाह किया। बीते 24 घंटों में 500 यूक्रेनी सैनिक अवदीपका में मारे गए। जिस अंदाज में बीते 24 घंटों से यूक्रेन धधक रहा है, जिस तरीके से यूक्रेन के अलग अलग प्रांतों, जिलों और शहरों में विनाश लीला दिखाई दे रही है, उससे सिर्फ कीव में ही खलबली नहीं मची हुई है बल्कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की भी सहमे हुए हैं। दरअसल चंद रोज पहले यूक्रेनी डिफेंस ने दावा किया था कि वो रूस के खिलाफ जबरदस्त काउंटर का आगाज करेगा। वेस्ट से मिले हथियारों के दम पर पोतिन ब्रिगेड को सरेंडर करने पर मजबूर करेगा। लेकिन ज़ेलेंस्की की सेना एक्शन में आती उससे पहले ही पोतिन ने अपनी जंगी सनक से यूक्रेन के कोने कोने में तबाही मचा दी। इतना बम गोला बारूद बरसा, ऐसा बारूदी बवंडर उठा जिसकी कल्पना भर से ही रूह कांप जाए। ताबड़तोड़ रूसी प्रहार से यूक्रेन को पीछे हटना पड़ा तो वहीं कई इलाकों में डिफेंसिव मोड पर आना पड़ा। जानते हैं क्यों? हथियारों की कमी के चलते। बारूदी गोदाम खाली हो जाने के चलते। जी हां, कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि यूक्रेनी सेना के पास युद्ध लड़ने के लिए हथियार नहीं है। पश्चिमी देशों से मिले हथियार जंग में तबाह हो चुके हैं। नेटो देश यूक्रेन को तत्काल हथियार देने में असमर्थ है। नए हथियारों की सप्लाई कीव तक होने में वक्त लगेगा।
वहीं कुछ नेटो देशों ने हथियार देने से इनकार किया है। दरअसल अमेरिका, नेटो और यूरोपियन यूनियन के देश इसलिए भी यूक्रेन की मदद से कतरा रहे हैं क्योंकि बीते दो सालों में ऐसे कुछ ही मौके आए हैं जब यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से मिले हथियारों के दम पर रूस पर चढ़ाई की, रूसी सेना पर दबाव बनाया हो। हकीकत तो ये है कि अब तक वेस्ट ने यूक्रेन को जो भी हथियार दिए हैं, या तो वो तबाह हो चुके हैं या फिर वो जंग लड़ने की हालत में नहीं। और सबसे ताजा मामला अमेरिका के M1 अब्राम्स टैंक का है जिसे रूस ने तबाह कर दिया। डोनेस्क रीजन के बर्दीची में M1 अब्राम्स टैंक तबाह हुआ। रूसी ब्रिगेड ने ATGM से अमेरिकी टैंक को नेस्तनाबूद किया। अब तक रूस 3 M1 अब्राम्स टैंक को तहस नहस कर चुका है। बस हथियारों की इसी तबाही को देखते हुए अब पेंटागन हो या नेटो, हर कोई यूक्रेन को हथियार देने से बच रहा है ताकि युद्ध के मैदान में अपने विध्वंसकों की तबाही रोक सके। हालांकि ऐसा नहीं है कि युद्ध के हर मोर्चे पर यूक्रेन पिछड़ रहा है। कई फ्रंट ऐसे हैं जहां यूक्रेनी सेना ने बचे हुए हथियारों के दम पर पलटवार किया है, वॉर जोन में तबाही मचा रहे रूसी विध्वंसकों का संहार किया है। जी हाँ, यूक्रेनी आर्म फोर्स ने रूस के 3 BM-27 ओरागन MLRS को तबाह किया। FPV ड्रोन के जरिए रूस के T-90 टैंक को नेस्तनाबूद किया। रूसी सेना का T-62 टैंक भी यूक्रेनी हमले में ध्वस्त हुआ। वहीं खेरसोन में रूस का एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी तबाह हुआ। रूस के बारूदी प्रकोप के बीच यूक्रेनी फौज गोरिल्ला युद्ध नीति के जरिए रूसी सेना और उनके कब्जों वाले इलाके पर हमले कर रही है। लेकिन हथियारों की कमी यूक्रेन के लिए बड़ा संकट खड़ा कर सकती है। क्योंकि ज़ेलेंस्की की फौज हथियारों की खातिर पश्चिमी देशों पर निर्भर है। अगर उसे हथियार नहीं मिले तो ऐसे में जंग लड़ना तो दूर की बात, वो खुद को बचा भी नहीं पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जंग में नया टर्न आने वाला है। युद्ध में अब AI हथियारों की एंट्री होने वाली है। अमेरिका रूस पर हमले के लिए AI ड्रोन बना रहा है। ये वो ड्रोन होगा जो विनाश के नए चरण की शुरुआत करेगा। अमेरिका का ये ड्रोन इतना खतरनाक है कि इसे तीसरे विश्व युद्ध का हथियार कहा जा रहा है। सवाल यह है कि क्या इस ड्रोन से अमेरिका रूसी धरती पर विस्फोट करेगा। इस ड्रोन को बनाने के पीछे पेंटागन का प्लान क्या है। युद्ध की ये आग और भयानक होने जा रही है। रूस यूक्रेन का यह युद्ध बहुत ही भयानक होने जा रहा है। इस जंग में उस हथियार की एंट्री हो सकती है जो विश्व विनाश का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। अमेरिका ने जो हथियार बनाया है उसे आप तीसरे विश्व युद्ध का हथियार कह सकते हैं। अमेरिका AI ड्रोन बनाने जा रहा है जो बहुत ही घातक, बहुत ही विनाशक होगा। AI तकनीक पर आधारित ये ड्रोन युद्ध का गेम चेंजर साबित होगा। ये अकेले अपने दम पर शत्रु सेना को परास्त कर सकेगा।
अमेरिका के इस एआई ड्रोन का नाम है द घोस्ट बैट फाइटर। इसे तीसरे विश्व युद्ध का हथियार क्यों कहा जा रहा है, अब इसे जानिए। द घोस्ट बैट फाइटर एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है। ये 1100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़कर हमला करेगा। इसकी रेंज है 3700 किलोमीटर। ये 3000 किलो का बारूद लेकर उड़ेगा और शत्रु का संहार कर देगा। एक ड्रोन की कीमत करीब 50 करोड़ रुपए होगी। द घोस्ट बैट फाइटर पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक पर आधारित होगा। ये देखने में एकदम एयरक्राफ्ट की तरह होगा लेकिन अनमैन्ड होगा। ये अमेरिका के मुख्य लड़ाकू विमान के आगे उड़ान भरेंगे। इनका काम खतरों को न सिर्फ ढूंढना बल्कि खत्म करना होगा। अगर इन्हें कोई खतरा दिखेगा तो ये उसे खत्म कर देंगे और इस तरह से अमेरिका के मुख्य लड़ाकू विमान सुरक्षित रहेंगे। ये अमेरिका का मल्टी मिशन ड्रोन होगा। ये न सिर्फ सर्विलांस करेगा बल्कि खतरों को भी नष्ट करेगा। पेंटागन ने ऐसे 1000 ड्रोन बनाने का ऑर्डर दिया है। आने वाले वक्त में अमेरिकी एयरफोर्स इस ड्रोन से लैस हो जाएगी। सवाल यह है कि क्या अमेरिका इस ड्रोन को यूक्रेन युद्ध में उतारेगा या फिर रूस और चीन के खिलाफ हमले के लिए इस्तेमाल करेगा। क्या अमेरिका इस घातक ड्रोन से विस्फोट रूस और चीन से जंग की स्थिति में करेगा। दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिकी सेना इसका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर कहीं भी कर सकती है। चाहे वो यूक्रेन का युद्ध हो या रूस चीन के खिलाफ जंग हो या फिर तीसरा विश्व युद्ध। असल में अमेरिका के इस कदम को तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी बताया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका सिर्फ घातक एआई ड्रोन ही नहीं बनाने जा रहा बल्कि खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट भी करने जा रहा है। अमेरिका इस मिसाइल की लॉन्चिंग जल्द ही करने की तैयारी कर रहा है। दरअसल सुपर पावर दुनिया को खासकर रूस और चीन को अपनी सैन्य ताकत दिखाना चाहता है। दक्षिण चीन सागर से चीनी नौसेना की दादागिरी वाली तस्वीरें सामने आई हैं। इस विवादित क्षेत्र के बड़े हिस्से पर चीन अपना दावा करता है और कई देशों की समुद्री सीमाओं में घुसपैठ करता रहता है। 5 मार्च को चीन के तटरक्षक जहाज ने फिलीपींस कोस्ट गार्ड के जहाज पर हमला किया। चीन ने अपने जहाज से फिलीपींस के जहाज को टक्कर मार दी। इस झड़प में फिलीपींस के 4 सैनिक घायल हुए हैं। दक्षिण चीन सागर का विवादित क्षेत्र और उसमें सबसे नया विवाद चीन और फिलीपींस का टकराव। हरे रंग के डेक वाला ये चीन के तट रक्षक बल का जहाज है और नीले रंग के डेक वाला जहाज फिलीपींस के तट रक्षक बल का। चीन के जहाज का कैप्टन जानबूझकर उसे फिलिस्तीनी जहाज के करीब ले जा रहा है और देखते देखते फिलीपींस कोस्ट गार्ड के जहाज को टक्कर मार देता है। चीन के जहाज का कैप्टन जानबूझकर उसे फिलिस्तीनी जहाज के करीब ले जा रहा है और देखते देखते फिलीपींस कोस्ट गार्ड के जहाज को टक्कर मार देता है। ये चीन के तटरक्षक बल की दादागिरी की तस्वीर है। फिलीपींस का ये जहाज चीन के जहाज से आकार में छोटा है और इस टक्कर से डूब सकता था। टक्कर से जहाज को नुकसान न हो इसलिए फिलीपींस के सैनिकों ने हवा भरे सुरक्षा उपकरण दोनों जहाजों के बीच डाले। फिलीपींस पर चीन दक्षिण चीन सागर में लगातार हमले कर रहा है। तस्वीरों में चीन के 2 जहाज फिलीपींस की एक सप्लाई बोट को घेर कर उस पर वाटर कैनन से हमले कर रहे हैं। बीते 15 दिन में चीन कोस्ट गार्ड के जहाज फिलीपींस पर इस तरह के कई हमले कर चुके हैं। 28 फरवरी को ही वॉशिंगटन में फिलीपींस के राजदूत ने बाइडेन के सामने ये मुद्दा उठाया था। फिलीपींस के राजदूत ने कहा था कि अमेरिका दक्षिण चीन सागर के मुद्दे को गंभीरता से ले। झड़पों से साफ है कि असली युद्ध क्षेत्र पश्चिमी फिलीपींस सागर है। इसके बाद चीन ने फिलीपींस के राजदूत के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। चीन ने कहा कि घर में भेड़ियों को बुलाने से
दक्षिण चीन सागर विवाद हल नहीं होगा, बल्कि इसके उलट स्थिति और गंभीर हो जाएगी। अमेरिका के दक्षिण चीन सागर में दखल देने से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता पर बुरा असर पड़ेगा। फिलीपींस की आंखें दिखाने के बाद से चीन भड़का हुआ है और दक्षिण चीन सागर में झड़पें बढ़ रही हैं। दक्षिण चीन सागर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण समुद्र मार्गों में से एक है। दक्षिण चीन सागर में तेल और गैस का बहुत बड़ा भंडार है। इस क्षेत्र के बहुत बड़े हिस्से पर चीन अपना दावा करता है। इस क्षेत्र में मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम सहित कई देशों से चीन के विवाद हैं। चीन दुनिया के व्यस्त समुद्री मार्ग और प्राकृतिक संसाधनों पर अपना कब्जा जमाने के लिए दक्षिण चीन सागर में दादागिरी करता रहा है और अब उसके हमले आए दिन होने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष।